चलिए दोस्तों, तो हम थोड़ा सा आपको वीडियो बना करके दिखला देते हैं। ई सर्विस, ई अपना केंद्र, अपना ई केंद्र पोर्टल के बारे में आपको दिखला देते हैं दोस्तों। कुछ बना करके आपको थोड़ा वीडियो दिखला देते हैं। और आधार का सर्विस जो है दोस्तों, वो हम आपको दिखला देते हैं। सर्विस में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, आधार सर्विस आप ले सकते हैं। एक्सरे चेंज कर चार्ज आपको 500 रुपया लग रहा है दोस्तों इसमें। और उसके बाद ITR का रिटर्न फाइल कर सकते, रिटर्न फाइल GST रिटर्न कर सकते, फाइल कर सकते हैं, GST फिलिंग कर सकते हैं। IRCTC एक्टिवेशन चार्ज आपको 1500 रुपया लग रहा है इसमें। उद्योग आधार भी ले कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड प्रिंट कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से। और भी बहुत सारा ऐसा सर्विस है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा। GST रजिस्ट्रेशन है, देखिए दोस्तों आधार का सर्विस ये है दोस्तों। आपको यहाँ पे एक्टिवेट, जैसे ही एक्टिवेट क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट का। जैसे पेमेंट कीजिएगा दोस्तों, तो पेमेंट यहाँ पे कीजिएगा, तब फिर आधार का सर्विस चालू हो जाएगा, लाइव कर दिया जाएगा आपके पोर्टल पर, जिससे आप आधार सुधार का काम कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल कोई तरह की इसमें दिक्कत नहीं है। इतना सर्विस आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उद्योग आधार का सर्विस है इसमें, AEPS एक्सपर्ट है इसमें, रिचार्ज कर सकते हैं, YES Bank AEPS है, पैन कार्ड बना सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हवाई जहाज़ का टिकट बना सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सा ऐसा सर्विस है दोस्तों इसमें, जो आप अच्छा खासा इनकम इस सर्विस से कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, कितना सर्विस, अच्छा अच्छा सर्विस है इसमें। और बिल्कुल नया पोर्टल है ये, और आप, हमको उम्मीद है कि आप इस पोर्टल से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। इस पोर्टल का नाम है अपना ई केंद्र दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा दोस्तों, कहीं पैसा नहीं लगेगा आपको इसमें दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग है, रिपोर्ट कर सकते हैं, वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत। और इसका खास बात तो दोस्तों ये है, इसमें ये आपको एक ID कार्ड भी देगा दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे एक ID कार्ड का ऑप्शन है दोस्तों, ये ID कार्ड को ओपन कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ID कार्ड है, ये ID कार्ड है इस कंपनी का, अपना ई केंद्र का ID कार्ड है दोस्तों। ID कार्ड भी लेकर के आपको लॉकडाउन में काम कर सकते हैं दोस्तों। AEPS का आपको कोई तक इसमें दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो इसमें क्या कीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके बाद इससे भी अच्छा सर्विस देकर के आपको जानकारी देंगे, और भी बहुत चीज़ के से रिलेटेड जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, खाली ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इससे भी बेहतर बेहतर सर्विस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और वीडियो भी दिखाएंगे दोस्तों, करके दिखाएंगे आपको कि क्या क्या सर्विस आप इस वीडियो के मार्फत से कर सकते हैं दोस्तों। भैया दोस्तों, तो इतना के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।